अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ केक सीकल, जो कि इसमें गड़बड़ मिस्टेक तो हुई है, बट फिर भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी है और बस आप सभी अप्रिशिएट करना मेरे काम को। और फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई की हूँ और जो गलतियाँ हुई है, जो मिस्टेक हुई है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर ही कर रही हूँ। इसमें छुपाने का कोई ये नहीं है, क्योंकि बिगड़ता है तभी सुधरता है और गलतियों से ही इंसान सीखता है कि आगे उसको कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर ये है केक सीकल, जो कि केक पॉप्स भी कहते हैं इसको। पॉप्स जो है ना, छोटे छोटे आते हैं, और ये जो है ना आइसक्रीम स्टिक में इस तरह से, मतलब सिलिकॉन का मोल्ड में बनता है। और ये देखिए, इसकी जो साइड जो चॉकलेट एक्स्ट्रा है ना, वो मैं इस तरह से निकाल रही हूँ हाथों से। आप चाहे तो नाइफ से भी इसे ना कट कर सकते हैं धीरे धीरे, बट इसमें मिस्टेक क्या हुई है, देखिए यहाँ से जो इसका कैविटी है ना, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बना है, कहीं कहीं थोड़ा सा गैप रह गया है। और ये देखिए केक का बेस, जो कि एकदम मॉइस्ट लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का था, बहुत ही टेस्टी था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने इसे कल ही अपलोड करी हूँ वीडियो को। और यहाँ पर मैंने बनाई हूँ चॉकलेट गनाश, जो कि डार्क कंपाउंड से, और जो केक को है ना, हम इस तरह से चूरा कर लेंगे बेस को। बेस को जो है ना, हाथों की हेल्प से बिल्कुल बारीक बारीक मैश कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ना चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे, और आप चाहे तो चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आप केक्सिकल खाना पसंद करते हैं, आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें मैंने गनाश ऐड कर दी हूँ। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी है आप सभी को और आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, चैनल अच्छा लगा है, तो ऑल बेल के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में। और बस बिना स्किप किए वीडियो को देखना, कि ताकि आप सभी के देखने से मुझे कुछ तो भी फ़ायदा हो और आप लोग मेरे काम को पसंद करेंगे, तभी मुझे डेली डेली वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने में, अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, वरना कोई रीज़न ही नहीं रहेगा मेरा वीडियो बनाने का। तो बस सब कुछ आप सभी के हाथ में है। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने केक स्पंज और इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं हाथों के हेल्प के मदद से कर रही हूँ। आपको जैसा स्पून जो भी कंफर्टेबल जिसमें हो आप, उसमें आप कर सकते हो। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये मैं घर के लिए ही बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ मैंने क्लास होने के बाद। और ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की ख़राब हो गई है, जो कि पहले मतलब कभी नहीं हुई इतनी। घर में सभी बीमार हैं, कल भी मैंने आपको बताई थी। और इसमें देखिए, बटर स्कॉच क्रंच, राइस स्प्रिंकल चॉकलेट वाला, और डार्क चॉको चिप्स, सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी मैं। इसे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट इसको डाल के बनाना ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रंचीनेस लगेंगी आपके केक पॉप्स में। और अब मैं ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें और जो है ना बेस ऐड कर दी केक का, तो मैं इसमें थोड़ा सा मालास का जो है चॉकलेट सिरप वो ऐड कर रही हूँ। यानी गनाश भी हो गया, चॉकलेट सिरप भी हो गया। यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड को कट करके मेल्ट कर ली हूँ। और अब हम बनाएंगे केक्सिकल की कैविटी बेस। और यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट जो है ना कम ज़्यादा हो गई थी मुझसे, और चॉकलेट मैंने एक्स्ट्रा अगर मैं लेती ना तो ज़्यादा अच्छा होता, बट मैंने भी यहाँ पर कंजूसी करी हूँ। आप सभी को पता है कि मुझे अकेले सिंगल, मतलब घर के लिए अगर वीडियो ऐसा कुछ बनाना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मटेरियल है, जो माल है, मतलब बच जाएगा ना, तो मेरे आगे जो ऑर्डर रहेंगे उसमें काम आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा हमारा काम जो है ना बिगड़ जाता है। और अभी तो ऑर्डर है भी नहीं कंटिन्यू केक के, तो बस मैं सोची आप सभी के साथ क्या शेयर करूं, तो बस इस तरह से वीडियो शेयर कर रही हूँ बना के अपना। मतलब आप सभी बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ऑल बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर न्यू आए हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से गोले टाइप हम ना बेस को इस तरह से हाथों की हेल्प से बना लेंगे। और इसे मैंने थोड़ा देर फ्रीज़र में रख दी थी ताकि ये जम जाए, तो चॉकलेट हमारी जो है ना अच्छी तरह से जम गई है। और ये देखिए, इस तरह से फैला लेना है, गैप ना रहे, कैविटी में अच्छे से भर लेना है सारे ही, मतलब केक के बेस को। और इसके ऊपर से फिर मैंने ना चॉकलेट ऐड करी, बट यहाँ पर क्या हुई मेरे से मिस्टेक, कि मैंने इसको थोड़ा देर मतलब फ्रिज में रख देना था फ्रीज़र में सेट होने के लिए, देन उसके बाद मैंने इसमें चॉकलेट ऐड करना था, तो ये ना काफ़ी अच्छे से मतलब सेट हो जाता था, जो क्रम्स हैं ना वो भी बाहर नहीं आते थे।
बट कोई ना, गलतियों से ही इंसान सुधरता है। इसलिए मैंने आप सभी के साथ जो बात है एज इट इज़, मतलब सच जो है वही जाहिर कर रही हूँ, वही बता रही हूँ कि मेरे से जो मिस्टेक हुई है वो आप मत करना। तो ये देखिए इस तरह से इसको ना हम फैला लेंगे, मैंने स्टिक से भी इसको फैला रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ी मैंने कंपाउंड जो है ना और ज़्यादा अगर मेल्ट करती तो मे भी मेरा जो है ना केक्सिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता। और ये देखिए पहले मैंने जो उसका ये बनाई थी ना कैविटी, तभी मुझे जो स्टिक डालने वाली जगह है ना तो उसको क्लीन कर लेना था, बट मैंने वो भी काम नहीं करी। तो ये देखिए आप पहले क्लीन करना, फिर उसके बाद स्टिक जो है ना ईजिली चले जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, तो फिर से मैं वाइट कंपाउंड ऐड कर रही हूँ और इसको कवर कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा फट जा रहा है। तो बस ये सब मिस्टेक आप मत करना जो मैंने की हूँ, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, बताते जा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अब मैंने ना इसको क्या करना था, फ्रीज़र में सेट होने देना था, देन उसके बाद एक कोटिंग और दे देना था मैंने, तो मेरा जो है ना केक्सिकल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता था। तो ये देखिए कैविटी में कहीं कहीं थोड़ा सा गैप रह गया है, जो कि केक्सिकल का अंदर का बेस जो है ना इस तरह से दिख रहा है। और अब हम थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे सिलिकॉन का जो ये है ना हमारा मोल्ड, इसको हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे। तो यहाँ पर मेरी स्टिक जो है ना परफेक्ट सेट नहीं हुई थी, तो ये निकलते जा रही थी आइसक्रीम स्टिक। और ये देखिए कैविटी जो है ना, आप चॉकलेट की कमी मत कीजिए जो मैंने की हुई। ये देखिए ऊपर की जो लेयर है ना कैविटी बहुत ही अच्छी बनी है, बट नीचे थोड़ा गड़बड़ हो गया है और साइड में थोड़ा सा मतलब चॉकलेट कहीं लगी है कहीं नहीं लगी है, कम हो गया है। बट इसकी मैं ना डबल कोटिंग अगर कर देती, अगर ग्लास में चॉकलेट लेकर इसको डिप कर देती ना, तो ये परफेक्ट बिल्कुल केक्सिकल हमारा बन जाता था, बेस भी नज़र नहीं आता था आप सभी को। तो जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, आपको सजेस्ट कर दे रही हूँ मैं वीडियो में। तो होता है, चलते रहता है, काम है, और इंसान जो है ना खताओं का पुतला है, मेरा तो यही मानना है। और अपनी गलतियों से ही सीखता है, सुधरता है, और दूसरों को भी मतलब हम अपने मतलब तजुर्बे से ही, किसी को हमें नॉलेज भी देना है ना तो हम अपना तजुर्बा लेकर ही उसे नॉलेज देंगे ना, तो वो भी मतलब आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा, तो उसको भी आसानी होगी, बस मेरा यही मानना है। और धीरे धीरे करके मैं सारे ही ये देखिए केक्सिकल जो है ना निकाल ले रही हूँ मोल्ड से, डीमोल्ड कर ले रही हूँ उसको। और ये देखिए बिल्कुल ईजी वे में निकल जाता है, बट इसके बाद ये देखिए स्टिक भी निकल गया। इसके बाद सिर्फ मैंने क्या करना था कि अच्छी तरह से वाइट कंपाउंड को मेल्ट करना था, एक ग्लास में लेना था और इसको डिप कर लेना था, परफेक्ट बिल्कुल हमारा केक्सिकल जो है ना रेडी हो जाता था। बट इसमें फिर भी मैं यही कहूँगी आपको, जो मैंने गलती करी हूँ वो मैंने आप सभी को मतलब रास्ता भी बता दी हूँ कि आपको कैसे सही करना है और कौन से रूट पे आपको जाना है नहीं जाना है, ये भी बता दी हूँ साथों साथ वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बस बिना स्किप किए वीडियो को देखना। और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो है ना चैनल की लिंक को है ना आप शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी कोई तो वीडियो वायरल होए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो एक भी वायरल नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।